रशिया यूक्रेन के बीच में फर्स्ट पीस टॉक शांति वार्ता शुरू हो गई है। अब दोनों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी, जो भी डिमांड है, जो भी वो चाहते हैं वो कहा जाएगा, माने या ना माने वो एक दूसरे के ऊपर है। लेकिन इस बीच हमने ये जरूर देखा कि काफ़ी बवाल हुआ, लोगों का पलायन भी हुआ, परेशानियां भी हुई, सब कुछ हुआ जो एक युद्ध में होता है। हमने ये जाना कि ये बवाल मचा क्यों था, और नाटो जो बार बार जिसका नाम आ रहा है वो इतना ज़्यादा इन दोनों देशों के बीच में होने के बावजूद पीछे क्यों हटा, क्यों वो यूक्रेन को बचाने नहीं आया, और क्या सही मायने में वो यूक्रेन को बचा सकता था। हम चाहते हैं कि शांति वार्ता सफल हो और दोनों देशों के बीच शांति हो। हमने ये भी देखा कि भारत में और सभी देशों में लोग, कुछ लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भारत की एयर इंडिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वो फंसे हुए हैं और भारत की सरकार क्या कर रही है। लेकिन सबसे पहले इन सब पर बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा नाटो की। अभी तक जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं था। और अगर हम इतिहास जाने तो हम देखते हैं कि जब एक जो ये सिचुएशन थी, ये कोल्ड वॉर थी, जो हम ये कह सकते हैं कि 1949 से लेकर 1991 तक थी, इस बीच जो ये कोल्ड वॉर चली, तो इन बीच में, इनकी शुरुआत में दो ऑर्गेनाइजेशन आई थी, जिसमें जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक दूसरी थी वो थी वॉरसो पैक्ट। वॉरसो पैक्ट सोवियत जो हम रशिया और संयुक्त रशिया जो है उसके देशों के बीच में था। लेकिन जब 1992 में सोवियत टूटा, रूस टूटा और अलग अलग देशों में बटा, तो ये वॉरसो पैक्ट जो है ये भी उनके साथ ही टूट गया। लेकिन अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो तब भी पावरफुल था और लगातार अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। जो वॉरसो पैक्ट था वो रशिया के इन्फ्लुएंस में था, और नाटो ये जो है शुरुआत से ही अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। नाटो का 75% बजट अमेरिका देता है, और वो नाटो के जरिए अपने ट्रूप्स, जिस जो भी देश इस नाटो के अंडर आता है, इस पैक्ट को साइन करता है, तो वो नाटो अपने ट्रूप्स उस देश में भेजता है। अब समस्या ये हुई कि जब यूक्रेन नाटो के पैक्ट में जाने की बात कर रहा था, तो रशिया को ये अपनी एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच लगा, और उसे लगा कि अमेरिका अपने ट्रूप्स यहाँ पर नाटो के जरिए लेकर आएगा, जो उसके लिए ठीक नहीं है, उसके देश की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए ये सब शुरुआत हुई। पहली चीज तो ये कि इस चीज पर कोई नहीं गया। दूसरी बात, नाटो हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका इन सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, पैसे देता है, और इसके जरिए वो अपनी सैंक्शंस, अपने ट्रूप्स पूरी दुनिया में फैला रहा है। अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट होता, उस पैक्ट का पार्ट होता, तो अभी तक जितने भी देश जो इसके अंडर आते हैं, इस पैक्ट में आते हैं, वो सब चढ़ाई कर चुके होते रूस पर। लेकिन अभी बात ही चल रही थी तो नाटो ने इस दोनों के बीच, इन दोनों देशों के बीच इस लड़ाई में आना ठीक नहीं समझा। या मैं और भी आपको अच्छे से बता दूं कि नाटो ने अपना हित, या अमेरिका ने अपना हित देखा, और उसे पता था कि जब यूक्रेन इस नाटो का पार्ट नहीं है तो वो इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई को नहीं लड़ेगा, या उसके बीच में नहीं आएगा। अगर पार्ट होता तो जरूर कूद जाते, और शायद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाती। लेकिन सब अपने अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं वो हैं जो सैंक्शंस ऐसे लगाती हैं, जो कहने के नाम पर डेवलपिंग कंट्रीज को, गरीब देशों को पैसा देती है उभरने के लिए। लेकिन सच ये है कि जिस तरीके से नाटो के जरिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत, अपने ट्रूप्स दूसरे देशों के बॉर्डर्स के अंदर भेजता है, और अपने जो है दुश्मनों को वो काउंटर कर रहा है, उन्हें घेर रहा है, इसी तरीके से वो आर्थिक गुलामी IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए दूसरे देशों में ला रहा है, और सैन्य ताकत नाटो के जरिए ये गुलामी
लेकर आ रहा है। कहने को तो नाटो अपने मेंबर्स को डिफेंड करता है, लेकिन सच ये है कि अमेरिका वहां अपने ट्रूप्स लेकर जाता है और अपने दुश्मनों को इसके साथ साथ अपनी बाउंड्रियां इनडायरेक्टली रूप में बढ़ाता है। हमने देखा कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जब बात हुई, लड़ाई हुई, तो कोई बीच में नहीं आया। और आप मानिए या ना मानिए, डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी अगर आप सच में लड़ाई लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं भविष्य में भी। इतिहास से कुछ सीखिए, जब तक आप आर्थिक रूप से, सैन्य ताकत के रूप से बलवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। समय के साथ लड़ाइयां भी बदल रही हैं। आर्थिक गुलामी आज की जो है डेट में, आज के समय में सबसे बड़ी गुलामी है, जो आने वाले भविष्य में भी रहेगी। और जो IMF वर्ल्ड बैंक के जरिए अमेरिका अपने जो है मंसूबे पूरे कर रहा है और दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रहा है। नाटो जैसी संस्थाएं कितना बीच में आती हैं जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, वो तो हमने देख ही लिया, क्योंकि अभी तक अमेरिका का हित इसमें छुपा हुआ नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे युद्ध की स्थिति हो, चाहे युद्ध चल रहा हो, चाहे अब शांति वार्ता हो, राजनीति कभी पीछे नहीं रहती। जैसे भारत में ही देख लीजिए, विद्यार्थी फंसे हुए हैं तो कोई ये कह रहा है कि वो पढ़ने ही क्यों गए थे, कोई ये कह रहा है कि वो तो सकुशल वापस आ रहे हैं, कोई ये कह रहा है वो तो वहां पर फंसे हुए हैं। मतलब नरेटिव सब अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, लेकिन जो जाने जानी थी वो चली गई हैं, जो सैनिक जो है बलिदान होने थे वो हो गए हैं, लेकिन कोई भी उनके बारे में बात नहीं कर रहा। समाज किस ओर जा रहा है एक बार हमें वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि चाहे नाटो हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, सब अपने हितों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से और सिर्फ सच के लिए कोई बात नहीं करना चाहता कि इसमें नुकसान किसका हुआ है। नुकसान मानवता का हुआ है। उनसे पूछिए जिन घरों ने सैनिकों को के रूप में अपने परिवार के सदस्य को खोया, उनसे पूछिए जिनके घर के घर तबाह हो गए, उनसे पूछिए कि लड़ाई क्या होती है कि जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और यूक्रेन से जाकर पलायन करना पड़ा। ये कुछ सवाल थे जो मेरे मन में आए, हो सकता है आपके मन में भी आए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।